Morning, India. लाइव फ्रॉम स्टूडियो आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को और अच्छे वीडियो और कोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के? पहले तो मुझे ये बता दीजिए। तो आज हम करेंगे फ्रेंड्स स्पीड एंड वेलोसिटी के क्वेश्चंस। तो इसमें सभी तरह के क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे, कि चाहे मोमेंटम का हो, संवेग का हो, ग्राफ के क्वेश्चंस हो, सभी तरह के क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करवे। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमको करना है, तो इसमें आज के सेशन में सभी तरह के क्वेश्चंस कवर कर लूंगा, चाहे आपका प्रोजेक्टाइल, वो जो आपका मोशन अंडर ग्रेविटी हो, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति वाले क्वेश्चन हो, या फिर आपके सिंपल मोशन हो, आपके डिस्प्लेसमेंट कर्व वगैरह, ग्राफ वगैरह, सारे क्वेश्चन में कवर कर लूंगा। चलिए करते हैं स्टार्ट क्लास को बिना टाइम वेस्ट करे हुए। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, पूरी इस क्लास में पूरी केवल तीन फॉर्मूले यूज आते हैं। V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। V क्या है? फाइनल वेलोसिटी। U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। A क्या है? एक्सेलरेशन है। T क्या है? टाइम है, है ना। एक S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्लियर? एक है V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। क्लियर? और एक होती है nवे सेकंड में कितना विस्थापन हुआ उसका, तो एस एन nवे सेकंड में u प्लस ए बाय टू 2n-1। तो पूरी क्लास में इन चार चीजों के अलावा कुछ भी नहीं लगेगी, इन चार चीजों के अलावा कुछ भी नहीं लगेगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से नीचे दिख रहा होगा आपको। देखिए, अ कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। इफ द कार इज स्टॉप्ड इन 40 सेकंड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, देन कैलकुलेट द रिटार्डेशन प्रोड्यूस, कि कितना मंदन हुआ। क्लियर? तो फ्रेंड्स ये क्या बोल रहा है, आप सामने देख लीजिए कि एक कार जिसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। आपको देखिए सारे जो आंसर ऑप्शन दे रखे हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब ऐसा यूनिट में दे रखे हैं, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में। तो U इज इक्वल टू किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, 5/18। तो फ्रेंड्स ये आपके पास आ गया आपका 300/18 मीटर पर सेकंड। ये बोल रहा है 40 सेकंड में ब्रेक लगा के लेने के बाद 40 सेकंड में रुक जाती है। फ्रेंड्स जब ये रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। कितने समय में, टाइम कितना देर का है, 40 सेकंड। T इज इक्वल टू 40 सेकंड। तो आप अभी मैंने बताया था V इज इक्वल टू U प्लस AT, तो V आपको कितना देर का फ्रेंड, जीरो हो जाएगा। U कितना देर का, 300/18 प्लस ए, टाइम कितना दे रखा है फ्रेंड्स, 40 सेकंड में हो जाएगी ये चीज। तो एक्सिलरेशन यहां से कितना आ जाएगा, आपका त्वरण कितना आ जाएगा, -300/18 -300/18 -300/18 बटे 40। ये इधर आ जाएगा -300/18/40। क्लियर? तो फ्रेंड्स ये माइनस साइन क्या बता रहा, माइनस साइन क्या बता रहा, रिटार्डेशन हो रहा है, मंदन हो रहा है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये गया आपका 6 से, ये गया 50 बार में, ये गया 6 से 3 बार में, और कुछ कट रहा है, ये गया 0 से 0, यानी 5/12 आपका आंसर आ गया, है ना। 5/12 आंसर आ गया फ्रेंड्स। तो कौन सा हो जाएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा आपका आंसर, बहुत बढ़िया, सी आपका आंसर हो जाएगा,
है ना, 0.417 आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी इस चैप्टर में, बहुत सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है आपके सामने फ्रेंड्स क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, देखिए आराम से। इफ द फोर्स ऑफ 3 न्यूटन, 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है फ्रेंड्स एक किसी ऑब्जेक्ट पे, और जो इसका मास दे रखा है, जो द्रव्यमान दे रखा है फ्रेंड्स कितना दे रखा है, 50 kg इसका मास दे रखा है 50 kg। देन आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद में क्या बोल रहा है, इसकी स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है, आपको इसका क्या बताना है फ्रेंड्स, वेग बताना है और विस्थापन बताना है ना। अच्छा दोनों चीजें सेम हो गया। इफ द फोर्स ऑफ 3 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 50 kg, देन आफ्टर 4 सेकंड फाइंड द स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी फ्रेंड्स आपको क्या क्या बताना है, यहां से देख लो, आपको डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस बोल लीजिए या डिस्प्लेसमेंट बोल लीजिए। सामने देखिए फ्रेंड्स, सामने जब भी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है ना, स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, आपकी दूरी यानी आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो वेलोसिटी और स्पीड दोनों बराबर रहते हैं, वेग और चाल दोनों बराबर रहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको दोनों चीजें निकालनी है, एक तो आपको विस्थापन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और एक आपको वेग निकालना है, वेलोसिटी कितनी होगी, है ना, दोनों चीज निकालनी है। इधर देख लीजिए, है ना। तो फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये हम लोगों को देखना है। देखिए फोर्स क्या होता है फ्रेंड्स, आपका मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स आपको कितना दे रखा है फ्रेंड्स, 3 न्यूटन का, 3 न्यूटन का आपको फोर्स दे रखा है। मास कितना है 50, एक्सीलरेशन आपको यहां से निकल जाएगा, त्वरण आपको निकल जाएगा फ्रेंड्स कितना, 3/50, है ना। अब क्या बोल रहा है ध्यान से, कि यदि एक वस्तु पर 3 न्यूटन का बल कार्य करता है तो वस्तु का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, तो 4 सेकंड पश्चात इसका वेग क्या होगा, 4 सेकंड बाद क्या होगा, वी इक्वल टू फ्रेंड्स आप जानते हो u+at। 4 सेकंड के बाद में फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, अंतिम वेग कितना हो जाएगा, ये हम लोगों को निकालनी है ना। एक चीज तो ये निकालनी है, दूसरी चीज इसका 4 सेकंड में विस्थापन कितना हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू ut+2at2। तो कुछ दे नहीं रखा u के बारे में, कुछ दे नहीं रखा इनिशियल वेलोसिटी के बारे में, कुछ दे नहीं रखा प्रारंभिक वेग के बारे में, कुछ दे नहीं रखा इसका मतलब बॉडी कैसे स्टार्ट हुई है, रेड से, विराम से स्टार्ट हुई है ना, तो यानी u को हम लोग 0 मान सकते हैं। तो s की वैल्यू फ्रेंड्स क्या हो जाएगी, 1/2। एक्सीलरेशन त्वरण कितना दे रखा है फ्रेंड्स आपको, 3/50। समय कितना दे रखा है, समय आपको 4 सेकंड के बाद में पूछा, तो 4 का स्क्वायर फ्रेंड्स 16 कितना आ जाएगा, सोल्व करते हैं, ये आपका गया 2 से गया 8 बार में, ऊपर बचा 24, नीचे 50। तो फ्रेंड ध्यान से देखिए, ध्यान से, अगर ऊपर 25 रहता नीचे 50 रहता तो आंसर क्या आता, 25/50, 1/2 यानी 0.5 आता, लेकिन 25 से थोड़ा सा कम है, 24 है तो 0.5 से थोड़ा सा कम आएगा, आंसर क्या आना चाहिए जल्दी से बता दीजिए, आंसर क्या आना चाहिए आपका, डी आंसर आना चाहिए, बहुत बढ़िया, डी आंसर आना चाहिए 0.48 मीटर, है ना। तो ये तो फ्रेंड्स आपका क्या आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा। अगर आपसे स्पीड पूछता है, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग कितना होगा 4 सेकंड के बाद में, तो वी इज इक्वल्स टू u+at, वी इज इक्वल्स टू u+at। तो आपको फ्रेंड्स फाइनल वेलोसिटी निकालनी है कितना होगा, तो वी इज इक्वल्स टू यू 0 दे रखा है, क्योंकि कुछ दे नहीं रखा तो हमको 0 लेना ही पड़ेगा, वरना कुछ ऑप्शन ही नहीं है। जब भी बोले कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, आपको यू जब 0 लेना है, जब बोले बॉडी विरामावस्था से चलता है, यू 0 लेना है, जब कुछ दे रखा तो यू आपको 0 लेना पड़ेगा, वरना निकल नहीं पाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना दे रखा, 3/50, और आपको टाइम पीरियड 4, तो 12/50 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, 12/50 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, 12/50 इसका आंसर आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी 12/24, 48। देखो अगर नीचे 48 होता, 12/48, तो 1/4 आता, यानी 0.25 आता, लेकिन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, 0.2 इससे 48 से ज्यादा है, यानी 0.25 से थोड़ा सा कम आएगा, तो 0.24, 0.23 के आसपास आएगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, एक भवन, कुछ भी बोल लीजिए, एक बिल्डिंग है फ्रेंड्स, इसके टॉप से फ्रेंड्स, इसके टॉप से आप फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, एक स्टोन, एक पत्थर को ड्रॉप कर रहे हैं। ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ दैट स्टोन आफ्टर 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद में इसकी वेग क्या रहेगी, वेलोसिटी क्या होगा। तो इधर देखिए सामने, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, जो आपको मैंने अभी 3 इक्वेशन बताई ना, इक्वेशन तो वही काम में आएगी।
इक्वेशन तो वही काम में आएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, वही काम में आएगी। लेकिन देखिए क्या है इसमें, ध्यान से देखिए फ्रेंड, जब भी कोई बॉडी ऊपर जाएगी ऐसे हवा में या नीचे जाएगी फ्रेंड्स, यहां पर जो एक्सेलरेशन, जो त्वरण काम करेगा, कौन सा करेगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन करेगा, गुरुत्वीय त्वरण करेगा, है ना। तो आपको बस छोटा सा एक साइन कन्वेंशन देखना है, इसके बाद आपकी कुछ भी गलती नहीं होगी। ध्यान से देखिए, यदि कोई चीज आप ऊपर फेंक रहे हो तो वेलोसिटी को आप लीजिए प्लस, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा कर लीजिए। कोई भी चीज ऊपर फेंक रहे हो तो वेलोसिटी को प्लस लो, अगर नीचे भेज रहे हो तो वेलोसिटी को माइनस लो। किसके लिए? वेलोसिटी के लिए, स्पीड के लिए, वेग के लिए। अगर कोई भी बॉडी को ऊपर फेंक रहे हो तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है फ्रेंड्स, वो आप पॉजिटिव लीजिए। अगर कोई बॉडी को नीचे फेंक रहे हैं तो जो विस्थापन है फ्रेंड्स, उसको आप लीजिए नेगेटिव। कोई बॉडी को चाहे आप ऊपर फेंके चाहे आप नीचे फेंके, जो एक्सेलरेशन है, जो जो त्वरण है फ्रेंड्स, उसको हमेशा माइनस जी लीजिए, हमेशा माइनस जी। कभी कोई गलती नहीं होगी, कभी गलती नहीं होगी फ्रेंड्स। देखते हैं कैसे। आपको क्या बोल रहा है? बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग से फ्रेंड्स, एक बिल्डिंग के टॉप से आपने क्या करा, एक स्टोन गिराया, पत्थर गिराया। पत्थर को ऐसे नहीं किसी स्पीड से फेंका है, जस्ट आपने इसे ड्रॉप कर दिया, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी, आपने कुछ गिरा टूटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग कितना है फ्रेंड? जीरो है। ये बोल रहा है 10 सेकंड के बाद पत्थर का वेग कितना होगा, तो देखते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, सिंपल सा। तो वेलोसिटी v कितनी हो जाएगी? u आपको जीरो दे रखा है। एक्सीलरेशन कितना लेना है? मैंने फिर बोला चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, अभी नीचे जा रही है वैसे, ऊपर जाए चाहे नीचे जाए हमेशा माइनस 10 लेना, तो माइनस 10। और टाइम कितने के बाद के पूछ रहा? 10 का। अच्छा जी, आप ऑप्शन में 9.8 से दे रखा है, तो जी आप 9.8 ले लीजिए, वैसे 10 ले ले कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, वो तो ऑप्शन से आप लोग पता लगा सकते हैं किसमें लेना है। तो एक्सेलरेशन कितना है? माइनस जी, ये प्लस एक्सेलरेशन कितना लेना? माइनस जी। टाइम 10 सेकंड के बाद में पूछा है, तो कितना हो जाएगा ये? माइनस 9.8 इंटू 10 कितना आ जाएगा? माइनस 98.1 मीटर पर सेकेंड। मुझे बताइए इस माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब कुछ नहीं है, मैंने क्या बोला था, वेलोसिटी ऊपर जाए तो प्लस, नीचे जाए तो माइनस, इसका मतलब नीचे जा रही है, इसका मतलब फ्रेंड्स क्या है? नीचे जा रही है। क्लियर, आगे चलते हैं। तो 98.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने दोस्त सही जवाब दे पाते हैं। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन गिव यू वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, ये क्या देता है? जल्दी से बता दीजिए, जो वेग समय ग्राफ है आपको क्या दे सकता है फ्रेंड? जल्दी से बताइए क्या दे सकता है, जल्दी से फ्रेंड। सेशन को लाइक करते रहिए, 6000 जने देख रहे, लाइक सिर्फ 1100 है, लाइक में कमी मत रखिए। चलिए सामने देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या बोल रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है? जैसे मान लीजिए एक एक्सिस पे आपने वेलोसिटी लिया, वेग लिया, एक एक्सिस पे फ्रेंड्स टाइम लिया, कोई भी एक कर्व मान लीजिए, कोई भी एक कर्व जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा कर्व दे रखा है मान लीजिए। अब इससे हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, ये हम लोग देखते हैं। क्या इससे एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं? एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, त्वरण निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है, जो स्लोप होता है, वो त्वरण देता है, तो एक्सीलरेशन हम लोग निकाल सकते हैं। क्या वेग निकाल सकते हैं इसका? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए दे रखा है आपको 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और कुछ ऐसा दे रखा है, ये आपका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, तो आपको 2 सेकंड में निकालना, 3 पे निकालना, तो ऐसे देख लेंगे कितना आ रहा है। वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या विस्थापन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। याद रखिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, मैंने पहले भी बताया था, जो आपका वेग और समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स, वो क्या देता है? विस्थापन देता है। वो क्या देता है? विस्थापन। तो विस्थापन भी निकाल सकते हैं, तो यानी उपरोक्त सभी इसका सही जवाब आ जाएगा। क्लियर, विस्थापन कैसे निकालेंगे? जैसे अगर आपसे पूछे 3 सेकंड तक का विस्थापन कितना हुआ, तो इसका पूरा एरिया हम लोग ले लेते हैं, ये एरिया, ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो सभी चीजें दे सकता है। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन कवर्स अ डिस्टेंस x1 इन द 3rd सेकंड एंड x2 इन द 5th सेकंड। ये बोल रहा 3rd सेकंड में और 5th सेकंड में, 3 सेकंड में नहीं बोल रहा, 5 सेकंड में नहीं बोल रहा, 5वें सेकंड में बोल रहा है ना।
तो जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देना स्टार्ट करिए फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, अब सामने देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए देखिए, जैसे मान लीजिए कोई कोई भी बॉडी मोशन कर रही है, गति कर रही है, ऐसे कर रही है, गति कर रही है ना। तो मान लीजिए ये पहले सेकंड में, एक सेकंड में यहां पूछा, ये भी टी जी कशु जीरो सेकंड था, टी जी कशु वन सेकंड पे यहां था, टी जी कशु टू सेकंड में यहां था, टी जी कशु थ्री सेकंड पे ये यहां था। अगर मैं बोलता दो सेकंड में कितना चला, तो दो सेकंड में कितना चला, इतना चला। अगर ये पूछा दूसरे सेकंड में, दूसरे सेकंड का मतलब क्या है, पहला जैसे ही सेकंड खत्म हुआ दूसरा जैसे लगा 1.0001, यहां से दूसरा सेकंड लगना स्टार्ट हुआ, तो यहां से लेकर यहां तक ये कितना चला, ये है दूसरे सेकंड में। और जैसे दूसरा खत्म हुआ 2.0 से स्टार्ट हुआ, ये आपका तीसरे सेकंड का हो जाएगा, है ना। तो फ्रेंड सिंपल सा फॉर्मूला जानते हैं, एनवे सेकंड का क्या है, एनवे सेकंड में कितना होता है, यू प्लस ए बाय टू टू एन माइनस वन, है ना। कवर्स कवर्स डिस्टेंस एक्स वन इन दी थर्ड सेकंड, फ्रेंड्स इसको करिए तीसरे सेकंड, ये दूसरा नहीं है, इसको करिए, इसको हिंदी में कर लीजिए चेंज थोड़ा सा, तीसरे सेकंड, तीसरे, है ना। अब देखिए तीसरे करना है ना, इंग्लिश में तो सही है, इसको करना है तीसरा। अब हम लोग करते हैं इधर, देखिए फ्रेंड्स आपको तीसरे सेकंड में करना है, आपको क्या बोल रखा है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, विराम अवस्था से चलता है, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी, जो प्रारंभिक वेग कितना है फ्रेंड, जीरो है आपका, है ना। आपको क्या बोल रहा है, एक समान त्वरण से चल रहा है, दूसरे से तीसरे सेकंड में दूरी एक्स वन है, तो तीसरे सेकंड में क्या होता है फ्रेंड्स, आपका यू प्लस ए बाय टू, एन को आप तीन रखेंगे, तीन दूनी छह, छह माइनस एक पांच, तो तीसरे सेकंड का फ्रेंड्स आपके पास ये आ गया, यू आपको जीरो दे रखा है, तीसरे सेकंड का क्या आ गया, फाइव बाय टू इंटू ए। बात करते हैं पांचवे सेकंड में, और इसी तीसरे सेकंड में जो चला इसी को हम लोग बोलते हैं एक्स वन नाम इसको दिया है। पांचवे सेकंड में कितना चलेगा फ्रेंड्स, पांचवे में यू प्लस ए बाय टू टू एन माइनस वन, तो एन जब पांच रखेंगे, पांच दूनी दस, दस में से एक गया नौ, नौ, और यू आपको जीरो दे रखा है, तो फ्रेंड्स यहां पर कितना आ जाएगा, ए बाय टू इंटू नाइन, और इसी को पांचवे सेकंड में जो ट्रेवल करा इसी को एक्स टू बोला, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, एक्स वन बटे एक्स टू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, हम लोगों को निकालना है, तो ए बाय टू से तो ए बाय टू कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, फाइव बाय नाइन, बी इसका सही जवाब आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बी क्लियर। और इस क्लास की पीडीएफ क्वेश्चन देख लीजिए, लीजिए देख लीजिए, क्लियर, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये दूसरे नहीं है तीसरे सेकंड है, हिंदी में ना तीसरे सेकंड है। चले आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक आदमी का जो वजन है फ्रेंड्स 80 किलोग्राम है, यानी किसकी बात कर रहा है, मास की बात कर रहा है, क्लियर। वह लिफ्ट में एक स्केल पर खड़ा होता है जो 5 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण के साथ ऊपर जा रही है, तो स्केल पर रीडिंग कितनी होगी, ये आपको बताना है ना, ये आपको बताना है। अब देखिए फ्रेंड्स आपका सामने देखिए, मैं बोलना क्या चाहता है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट भी बताता हूं। देखिए फ्रेंड, जैसे मान लीजिए हम लोग जो अपना वेट मेजर करते हैं वो कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपकी वेट मेजरिंग मशीन है ना, आप लोग इस पे खड़े हो जाते हैं, जब भी डायरेक्ट कांटेक्ट आता है तो एक नॉर्मल फोर्स आता है, पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, और इधर क्या आता है फ्रेंड्स आपका, यदि आपका द्रव्यमान एम है, आपका मास एम है, तो नीचे वेट लगेगा, भार लगेगा, कितना लगेगा, एमजी लगेगा, क्लियर। अब जो ये मशीन है, वेट मापने की जो मशीन है फ्रेंड्स, ये आपकी एमजी नहीं नापता है, पीछे का कॉन्सेप्ट क्या देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका इंसान है, जैसे आप खड़े हो, तो ये जो आपकी सरफेस है, इसने आप पर लगाया नॉर्मल फोर्स, और फिर आप न्यूटन के थर्ड नियम के अकॉर्डिंग आप इस मशीन पे लगाओगे फिर नॉर्मल फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट, इसने ऊपर लगाया आप लगाओगे नीचे, और ये ही एन है, यही आपको भार देता है, तो एन किसके बराबर हो जाता है, एमजी के, क्लियर। लेकिन फ्रेंड्स होता क्या है, जब हम लोग लिफ्ट में खड़े रहते हैं, जब हम लोग लिफ्ट में खड़े रहते हैं, लिफ्ट में खड़े रहते हैं, और ये लिफ्ट ए एक्सिलरेशन से ऊपर जा रही है, ए त्वरण से ऊपर जा रही है, तो क्या होता है फ्रेंड देखिए, या आप इधर बैठे थे, आपका द्रव्यमान एम है, मैंने पहले भी बहुत बार बताया, तो फ्रेंड्स ये आपका एमजी लग ही रहा है, ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है, जब लिफ्ट ए एक्सिलरेशन से ऊपर जा रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है एम ए, इसको बोलते हैं सूडो फोर्स, तो यहां पर नॉर्मल फोर्स कितना आ जाएगा आपका, एमजी
प्लस एम ए। यानी फ्रेंड्स आपको इस जगह भार क्या लगेगा, आपका ज्यादा लगेगा, ए तो था तो एमजी से ज्यादा लगेगा, तो यहां पर फ्रेंड्स आपको भार ज्यादा लगता है। अगर ये लिफ्ट नीचे आ रही है, अगर ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ए त्वरण से नीचे आ रही है, तो क्या होगा, ये आप इधर बैठे थे, ये इधर आपका एमजी लग रहा था, ये ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा था, ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है तो जो सूडो फोर्स लगेगा वो ऊपर साइड लगेगा एम ए, बस इतना ध्यान रखिए एम ए। तो नॉर्मल फोर्स यहां पर कितना हो जाएगा, एमजी माइनस एम ए। यानी आपको फ्रेंड्स क्या लगता है, आपको हल्का लगता है, भार है ना कम लगता है, एमजी से कम लगता है जब लिफ्ट नीचे आती है, और जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो ज्यादा लगता है ना। तो इसका दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस में, पीडीएफ में मिल जाएगा, परेशान मत होइए। अब क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, एक आदमी का वजन 80 किलोग्राम है, यानी मास आपको दे रखा है 80 kg। वह लिफ्ट में एक स्केल पर खड़ा होता है जो 5 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण से ऊपर जा रही है, तो यानी जो फोर्स लगेगा नीचे लगेगा, तो नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, mg प्लस ma। स्केल पे रीडिंग क्या होगी, इसके बराबर होगी, n के बराबर। तो n कितना आ जाएगा, m कॉमन लिया, g प्लस a, g कितना दे रखा है फ्रेंड्स आपको, 10 दे रखा है, तो 80 10 प्लस एक्सेलरेशन, त्वरण कितना दे रखा है फ्रेंड्स, त्वरण एक्सेलरेशन आपको 5 दे रखा है, तो 10 प्लस 5 15 × 80 कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा 1200 न्यूटन। क्लियर, क्योंकि अगर 10 होता तो 800 आता, 5 80 5 40 1200 आंसर आएगा, है ना, तो 1200 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दी जाती है तो इसका संवेग कितने गुना हो जाता है, यह आपको बताना है। क्लियर, ये आपको बताना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है इसे। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी जो होती है, जो आपकी ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी फ्रेंड्स क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m। पी क्या है, मोमेंटम है, संवेग है, m क्या है, मास है, द्रव्यमान है, काइनेटिक एनर्जी फ्रेंड्स क्या है, गतिज ऊर्जा है ना। तो बोल रहा है यदि वस्तु की गतिज ऊर्जा को दुगुनी कर दी जाए, गतिज ऊर्जा को दुगुनी कर दी जाए, पहले काइनेटिक एनर्जी क्या है, पी स्क्वायर बाय 2m, तो यहां से फ्रेंड आप क्या बोल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी 1 आपके मान लीजिए यह है p1 स्क्वायर अपॉन 2m1। ये बोल रहा है जब काइनेटिक एनर्जी को दुगुनी कर दी जाए तो आपका संवेग कितने गुना बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहां से आप लोग क्या लिख सकते हो, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m ke, है ना। तो यानी पहले मान लेते हैं यह है, और दूसरे टाइम पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, p2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2m2 अपॉन ke2। तो फ्रेंड दोनों को अनुपात लेंगे तो क्या आ जाएगा, p1 स्क्वायर अपॉन p2 स्क्वायर। मास तो द्रव्यमान तो फ्रेंड सेम रहेगा, दो सेम ही रहेगा, ये दोनों कट जाएंगे, तो ke1 अपॉन ke2। ये बोल रहा गतिज ऊर्जा को दुगुनी कर रहे हैं, यानी पहले x था तो अब 2x कर रहे हैं, तो p1 स्क्वायर अपॉन p2 स्क्वायर, पहले x था तो अब 2x कर रहे हैं, 1/2 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका जो मोमेंटम हो जाएगा फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, √2p1। p2 स्क्वायर उधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, दोनों साइड अंडर रूट लेंगे तो √2p1। यानी जो आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसका संवेग कितना गुना बढ़ जाएगा, √2 times हो जाएगा इसका ना, इतने गुना हो जाएगा √2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉल को ऊपर फेंका, अब बॉल थ्रोन अपवर्ड रिटर्न टू द थ्रोवर, मतलब फेंकने वाले के पास वापिस आ जाती है 4 सेकेंड में। ये दे रखा है आपको कि जी है वो 10 दे रखी है जी की वैल्यू, और विद व्हाट वेलोसिटी डज इट रिटर्न टू द थ्रोवर। देखो बोलना क्या चाह रहा है, सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाता हूं, यहां पर जवाब दीजिए। ये ऐसे बोल रहा है कि एक बॉल है ना, एक बॉल है ना ऊपर फेंकी आपने, सामने देखिए इधर सामने आप जमीन पर खड़े हैं, आपने एक बॉल ऊपर फेंकी, आपने एक बॉल ऊपर फेंकी, कितनी वेलोसिटी से फेंकी मुझे नहीं पता। ये बोल रहा है ये बॉल है ना ऊपर जाके 4 सेकंड में वापिस आ जाती है, ऊपर गई और नीचे आ जाती है कितने सेकंड में, 4 सेकंड में, 4 सेकंड में वापस आ जाती है। तो फ्रेंड्स कितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंकी गई होगी, इसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमको निकालना है। सिंपल सी गणित लगानी है, कुछ भी नहीं। जब आप ऊपर से नीचे आएगा, जब इस जगह आ जाएगा तो विस्थापन कितना हो जाएगा फ्रेंड, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at² होता है,
जब ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं क्या कन्वेंशन हम लोग यूज करते हैं आपको पता है, ऊपर जाके नीचे आ गया ये विस्थापन क्या हो गया जीरो, ये विस्थापन क्या हो गया फ्रेंड्स आपका जीरो हो गया। इनिशियल वेलोसिटी मैंने माना यू था, कितने टाइम में आया वापिस 4 सेकंड में आया तो ये आपका 4 हो गया प्लस 1/2। एक्सीलरेशन मैंने क्या बोला, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए हमेशा क्या लेना -10 लेना, -10। टाइम कितना देखा टी कितने 4 में आया तो 4 का स्क्वायर 16, तो 0 = 4u। ये गया आपसे 5 बार में है ना, 5 बार में गया तो 16 × 5 = 80 तो -80, तो u की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी आ गई 80/4 यानी 20 मीटर पर सेकंड। तो कुल मिला के वो गिनती की 3 इक्वेशन लगेगी, s = ut + half at² v = u + at v² = u² + 2s, आंसर आपका 20 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन 8 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 cm/s². ये बोल रहा है बॉडी के द्वारा कुल विस्थापन बताइए, विराम से चलना स्टार्ट होता है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और 8 सेकंड में फ्रेंड्स इसका विस्थापन कितना होगा ये बताना आपको, इसका एक्सेलरेशन दे रखा है, इसका त्वरण दे रखा है 20 cm/s² है ना। तो चलिए करते हैं, इधर देखिए बोर्ड पे सामने देखिए, s = फ्रेंड्स क्या होता है, s = ut + ½t² होता है, सिंपल सी बात है। ये बोल रहा है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विराम से चलता है यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग क्या है फ्रेंड, 0 है, क्लियर। तो s = सिंपल सी बात है 1/2, एक्सीलरेशन कितना दे रखा है 20, लेकिन फ्रेंड ध्यान रखिए क्वेश्चन क्यों दिया आप तो बोलोगे बहुत सिंपल है, यूनिट के चक्कर में दिया 20 cm/s² दे रखा है, 20 cm/s² दे रखा है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो फ्रेंड्स क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा 0.2 m/s². तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 0.2, समय कितना दे रखा है फ्रेंड्स 8, 8 का स्क्वायर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 64, तो 2 से गया 32, 32.2 क्या आ जाएगा आपका फ्रेंड 64, 6.4 आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। डी इसका सही जवाब हो जाएगा 6.4 मीटर। आगे चलता है बिना टाइम वेस्ट करे हुए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 0.9 kg एट रेस्ट, इफ इन 10 सेकंड द बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको। क्या बोल रहा है, एक बल लग रहा है, पहले एक 0.9 किलोग्राम की बॉडी रेस्ट में थी, विराम में थी, और 10 सेकंड में जो उसको कितने डिस्टेंस से मूव करवाता 250 मीटर से, तो आपको फोर्स बताना है। सामने देखिए सारा क्वेश्चन देखिए कि एक 0.9 kg की फ्रेंड्स द्रव्यमान था, आराम से विराम कर रहा था, इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो थी, आपने एक फोर्स लगाया, फोर्स कुछ इस तरीके से लगाया कि ये 250 मीटर की दूरी तय कर देती है, 250 मीटर के मान लो ये बॉडी यहां से यहां पर आ गई, ऐसे आ गई 250 मीटर के, क्लियर, और कितने समय में 10 सेकंड में, तो आपसे फोर्स पूछा, फोर्स कितना लगा होगा, आप सिंपल से बात जानते हैं फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन द्रव्यमान इनटू त्वरण, यानी आपको मास तो पता ही है, द्रव्यमान तो पता ही है, आपको एक्सीलरेशन पता पड़ गया तो आप निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स आप जानते ही हैं v = या फिर दूसरी लगाते हैं s = ut + ½t², u आपका 0 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, कितना करा 250 = 1/2, a कितने टाइम में किया 10 में, 10 का स्क्वायर 100, तो एक्सेलरेशन त्वरण क्या हो जाएगा 250 × 2 = 500 × 100 फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 500/100, 5 m/s² आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो जो फोर्स लग रहा होगा क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास आपको दे रखा है 9/10 बोल सकते हैं, 0.9 बोल सकते हैं, त्वरण आपका कितना आ गया 5 आ गया, 9 × 5 = 45 × 10 = 4.5 N है ना। तो फ्रेंड्स सारी चीजें हम लोग पहले समझ चुके हैं, अभी आपको क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा कवर हो जाएगा आपका है ना, तो थोड़ी सी जितनी स्पीड मेंटेन रखोगे आपके एग्जाम के लिए भी यूजफुल है और आपका ज्यादा क्वेश्चंस भी हम लोग कर पाएंगे, क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द्रव्यमान m की एक वस्तु v वेग के साथ एक ठोस दीवार को हिट करती है तथा उसी वेग के साथ वापस उछलती है, तो वस्तु द्वारा अनुभव किया गया आवेग बताइए। आवेग आपको बताना है, इंपल्स आपको बताना है। देखिए आप सामने देखिए फ्रेंड्स, इंपल्स क्या होता है आप सभी जानते हैं। इंपल्स आवेग क्या होता है? इंपल्स चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन, या फिर आप बोल सकते हो एफ इंटू टी। एफ इंटू टी आपसे क्या पूछ रहा है कि कितना आवेग लगेगा, कितना इंपल्स होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बोल कह रहा है, जैसे मान लीजिए एक वॉल है, ये एम मास की एक बॉडी है, ये बोला वी वेलोसिटी से आया और टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन उसी वेलोसिटी से मूव कर गया, उसी वेलोसिटी से ही हो गया। तो फ्रेंड्स, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी अंतिम वेग, अंतिम संवेग सॉरी, माइनस प्रारंभिक संवेग। अंतिम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपको देखना है। आप जानते हैं वेलोसिटी एक कैसे राशि है फ्रेंड्स, एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी डायरेक्शन पर निर्भर करेगी। तो यदि ये वी है, ये अलग चीज है, ये वाला वी अलग चीज है। मैग्नीट्यूड इसका सेम है, इसका मान सेम है, लेकिन दिशा अलग है, है ना। तो फ्रेंड्स, फाइनल मोमेंटम कितना होगा? यदि इस दिशा को मैं प्लस ले रहा हूं तो इसको माइनस ले लो, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? एम इंटू वी माइनस इनिशियल कितना था? एम इंटू वी, लेकिन वी इस डायरेक्शन में था तो इसको माइनस ले लो, माइनस वी। तो फ्रेंड्स, एम वी प्लस एम वी आंसर कितना जाएगा? 2mv। जीरो मत कर देना कि उसी वेलोसिटी से जा रहा है, तो एम वी माइनस एम वी करके जीरो कर दे, 2mv इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी वेग क्या है फ्रेंड्स, एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए। अ कार मूविंग एट 30 मीटर पर सेकंड, एक कार 30 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है और अपनी स्पीड को धीमा कर लेती है, कब कहां तक ले आती है? 10 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में? 5 सेकंड में। तो बोल रहा है इसके द्वारा थर्ड सेकंड में, तीसरे सेकंड में कितनी दूरी तय की गई, वो हमको आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, सामने देखिए, सेकंड का फॉर्मूला आप निकाल देंगे। देखिए तीसरे सेकंड का फॉर्मूला आपको पता है, एस थ्री इज इक्वल टू यू प्लस ए बाय टू, टू एन माइनस वन लगा लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? आपको n दे रखा है 3 रख देंगे, u आपको दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 30 मीटर पर सेकंड लगा देंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन की जरूरत है त्वरण की, तो वो निकाल लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग कितना है बोल रहा है, पहले 30 मीटर पर सेकंड से चल रही थी और अपनी स्पीड को कम कर लेती है, स्पीड इसकी फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग कितना हो जाता है 10 मीटर पर सेकंड। ये जो घटना हुई कितने समय में हुई फ्रेंड्स? 5 सेकंड में हुई है। तो आप जानते हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस at, v कितना दे रखा है आपको? 10 दे रखा है, u कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। एक्सेलरेशन यहां से कितना आ जाएगा? समय कितना दे रखा है? 5 में। तो एक्सेलरेशन फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 10 में से 30 गया माइनस 20, माइनस 20 बटे 5 यानी माइनस 4। माइनस 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड्स? रिटार्डेशन हो रहा है, बताइए। 10 माइनस 30 माइनस 20 बटे 5 माइनस 4। क्लियर? तो ये रख देते हैं, तीसरे सेकंड में कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी थी? गलती से जीरो मत लिख देना, हर जगह का जीरो टिका दो, दे रखी है पहले 30 से चल रहा है, तो 30। एक्सीलेशन कितना दे रखा है? माइनस 4, माइनस 4 बटे 2 माइनस 2, 2n माइनस 1। n किसकी बात कर रहा है? तीसरे सेकंड की। तो n 3 है, 3 दूनी 6, 6 माइनस 1 5। क्लियर? तो 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20 मीटर आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 20 आंसर आएगा, 40 नहीं आएगा फ्रेंड। ध्यान से देख लीजिए आपने क्या गलती करी है, आप एक्सेलरेशन को प्लस लिख रहे हो। अरे क्यों लिख रहे हो, माइनस नहीं आ रहा क्या? जब स्पीड 30 से 10 हो रही है, स्पीड कम कब होती है, स्पीड बढ़ती कब है? जब आप एक्सेलरेट करते हो, जब त्वरित करते हो, स्पीड कम हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है एक्सेलरेशन तो नेगेटिव में आएगा, तो वहां पर आप प्लस क्यों लिख रहे हो? माइनस आएगा ना, यू आपको 30 है, ए बाय 2 यानी माइनस 4 बटे 2 माइनस 2, 2n माइनस 1, n की वैल्यू फ्रेंड 3 रखोगे, 3 दूनी 6, 6 माइनस 1 5, 5 30 माइनस 10 20। क्लियर? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है लास्ट में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आराम से देख लीजिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दे रखा है किसी बॉडी का, एक बहुत ही बड़ी चीज दे रखी है इसमें, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, कि एक बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, सीधी रेखा में गति कर रही है, उसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दे रखा है।
बोर्डर डिस्प्लेसमेंट बताइए और डिस्टेंस बताइए 6 सेकंड के अंदर, डिस्प्लेसमेंट बताइए डिस्टेंस बताइए 6 सेकंड के अंदर, है ना, विस्थापन बताइए और दूरी बतानी आपको 6 सेकंड के अंदर, क्लियर। तो सामने आप देख लीजिए, अब आप सामने देख लीजिए फ्रेंड्स, देख लीजिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है, का जो एरिया होता है, वो आपको देता है फ्रेंड डिस्प्लेसमेंट, यानी आपको देता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। और जो फ्रेंड्स आपका स्पीड टाइम ग्राफ का, यानी आपका चाल समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है ग्राफ का, जो एरिया क्षेत्रफल, वो देता है आपको फ्रेंड दूरी देता है, डिस्टेंस देता है। तो आपको दे रखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया। आप बोलेंगे मैं सिर्फ और सिर्फ विस्थापन निकाल सकता हूं, मैं दूरी निकाल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस के लिए आपको चाहिए स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया। बताइए स्पीड टाइम ग्राफ तो दे रखा, लेकिन आपको दे रखा है जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में, फ्रेंड जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी ना, जैसे मान लो यहां से ए से बी गया, मान लो 20 मीटर गया, तो मैं बोलूं ए से बी में बी ये दूरी कितनी हुई, दूरी भी 20 हुई, विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन भी 20 हुआ। तो फ्रेंड जब भी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है ना, तो फ्रेंड दूरी और विस्थापन बराबर रहता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, और वेलोसिटी और स्पीड भी बराबर रहेगी, वेग और चाल भी। लेकिन आप बोलोगे सीधे काम कर रहे, तो ऐसे ऐसे कर रहा है, अरे ये आपका ऐसे ऐसे नहीं कर रहा, ये तो जस्ट वेरिएशन बता रहा है कि समय के साथ में वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है ना, कई बार कंफ्यूज होता है तो ऊपर नीचे जा रहा है, ये तो जस्ट वेरिएशन बता रहा है। तो फ्रेंड्स आपको एरिया निकालना है 6 सेकंड के लिए, पहले निकालते हैं हम लोग क्या निकालते हैं, विस्थापन निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो 6 सेकंड के लिए पूरा एरिया ले लो, ये एरिया और ये एरिया। फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, चलो पहले दूरी निकालते हैं, पहले दूरी निकालते हैं, पहले डिस्टेंस निकालते हैं। तो एरिया लेना है आपको दूरी का, ये कितना हुआ 2, ये एक आयत बन रहा है 2 × 4, ये आपका कितना बन रहा है 8, इसका एरिया आ गया 8 मीटर। इसका एरिया कितना आ गया 4 − 2, 2 इसकी ये हो गई लंबाई, हो गई इसकी ये कितनी हो गई ऊंचाई 2 × 4, 4 ये आ गया, क्लियर। ये कितना हुआ 6 में से 4 गए, ये कितना हुआ 2 ये हुआ, और 2 इसकी ऊंचाई दे रखी है आपको, 2 × 2, 4 2 × 2 = 4। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपसे दूरी पूछूं, यदि मैं आपसे दूरी पूछूं तो कितनी हो जाएगी 8 × 4 = 12, 12 × 4 = 16। आप बोलोगे माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि दूरी फ्रेंड्स क्या है, एक आपकी स्केलर क्वांटिटी, एक अदिश राशि है। तो दूरी ऐसे नहीं, जैसे मान लो 3 मीटर इधर गया, 3 मीटर वापस आ गया, तो विस्थापन तो 0 हो जाएगा, लेकिन दूरी कितनी होगी, कुल कितनी पार ट्रेवल करी, 3 और 3 = 6। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, कुल कितना हुआ, कुल कितना एरिया आ रहा है आपका 8 × 4 = 12, 12 × 4 = 16। तो डिस्टेंस दूरी कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स 16। बात करते हैं विस्थापन कितना होगा, 4 ऑप्शन दे रहा हूं जल्दी से बता दीजिए, आपका 16 रहेगा, 12 रहेगा, 8 रहेगा, 4 रहेगा, बताइए कितना रहेगा, बताइए कितना रहेगा, 16, 12, 8, 4 जल्दी से बता दीजिए। तो बहुत बार गलती क्या रहती है, दूरी 16 आ गया, इसमें से 4 माइनस कर दिया, ये आ गया आपका विस्थापन। भाई दूरी 16 गया, ये 4 माइनस वाला कर दिया, नहीं, ये कितना है +8, ये कितना है +4, ये कितना है -4। तो +4 − 4 गया, विस्थापन कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट 8 आ जाएगा। तो गलती मत करिए, दूरी विस्थापन कितना आ जाएगा 8। बहुत बढ़िया, है ना। तो ये +8, ये +4, 8 × 4 = 12, और ये माइनस में, ऐसे नहीं इसमें से माइनस कर दो, है ना, तो गलती होने के चांस रहते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन और आज का इधर बना रहा हूं मैं आपसे, एक लास्ट क्वेश्चन 1 मिनट का। फ्रेंड्स ये आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, विस्थापन दे रखा है, और ये आपको टाइम दे रखा है एक एक्सिस पे, और चार अलग अलग चीज है। एक मान लीजिए एक कर्व आपका ये है ए है, ये आपका एक बी है, ये आपका एक सी है, ये आपका डी है। मान लीजिए ए क्या है, आपकी कार के लिए, ये आपकी बाइक के लिए, ये आपके ट्रक के लिए, और ये आपको कुछ भी मान लीजिए, बाइसिकल मान लीजिए, साइकिल मान लीजिए, है ना। अब स्क्रीन पे देखिए मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि कार बाइक ट्रक साइकिल के लिए आपको विस्थापन समय ग्राफ ऐसे दे रहा है,
आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको ऐसे दे रखा है, तो किसकी स्पीड ज्यादा रहेगी फ्रेंड्स, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, किसकी स्पीड ज्यादा, जल्दी से बता दीजिए। तो फ्रेंड्स आप जानते हो जो विस्थापन समय ग्राफ का जो ढाल रहता है, जो स्लोप रहता है फ्रेंड्स, वो क्या रहता है, आपको वेग देता है, यानी जिसका ढाल ज्यादा वो फ्रेंड्स क्या होगा, उसका ज्यादा होगा। तो ढाल क्या होता है फ्रेंड्स, ऑब्वियसली यहां बैठ जाओगे तो यहां पर लुढ़कने के चांस ज्यादा रहेंगे, गिरने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, तो उसका ढाल ज्यादा है, इसका कम है, इसका कम है, इसका कम है, इसका तो बिल्कुल ही जीरो, क्लियर, तो कार आ जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स आज का सेशन इतना रखते हैं, क्योंकि आज कुछ इंपॉर्टेंट क्लास है बस आज के लिए, बाकी कल अपने वही एज यूजुअल 9 से 10 रहेगी। तो फ्रेंड्स अब अपन कल ले, मैं ले रहा हूं कल किसके क्वेश्चन ले, जल्दी से बताइए, कल मैं क्वेश्चन ले रहा हूं फ्रेंड्स वर्क, कल मैं लेता हूं, एक काम करते हैं कल लेते हैं हीट एंड टेम्परेचर के, कल लेते हैं मास वेट एंड डेंसिटी की, मेरी बात समझिए, मास वेट एंड डेंसिटी के कल लोग रिवाइज कर लेना पूरा जो पढ़ा रखा है, बहुत ज्यादा पढ़ा रखा है, कल मास वेट एंड डेंसिटी के क्वेश्चंस करेंगे। और मेरी बात सुनिए, जो सैटरडे संडे है ना उसमें एक लंबी मैं क्लास ले लूंगा, मेरी बात तो सुनिए, आपकी जो हीट एंड टेम्परेचर बचेगा, जो दो तीन चैप्टर बचेंगे सारे क्वेश्चन एक साथ, फिर हम लोग मंडे से इंजीनियरिंग ड्राइंग यहां पर कर लेंगे मंडे से, है ना, क्योंकि अपने पास ही टाइम बचेगा, क्योंकि अगर सैटरडे को हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग करेंगे तो फिर हमको मंडे को ये करना पड़ेगा, मास वेट डेंसिटी है तो मतलब हीट एंड टेम्परेचर जो बचेगा, तो संडे को बिल्कुल नॉन स्टॉप 3 घंटे ऐसे क्वेश्चन करेंगे धमाधम, फिर मंडे से उसके क्वेश्चन इंजीनियरिंग पे आ जाएंगे, है ना, मंडे ट्यूसडे से जो भी टाइम बचेगा। तो फ्रेंड्स देखो मैं एक चीज मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, इधर तो मैं क्वेश्चंस करवा ही रहा हूं, जो पिछले मैंने 4 महीने से आपके लिए मेहनत करी, पिछले 3-4 महीने से क्लास चल रही है, तो वो लेक्चर्स भी देखे जो बिल्कुल जीरो पे है, मतलब जिन्होंने आज तक देखा ही नहीं कुछ, क्योंकि लीवर एंड मशीन मैंने पूरा अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज में एक क्लास में खत्म कर दिया, लेकिन वहां पर मैंने 5-5, 6-6 क्लास में समझाया है ना पूरा डिटेल में, तो ये तो आपके लिए यूजफुल है, क्योंकि लास्ट टाइम में बस इतना ही कर सकते हैं फ्रेंड्स, है ना, लेकिन जिन्होंने पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो वो प्रीवियस लेक्चर भी देखिए और आप देख भी रहे होंगे, है ना, क्योंकि जो वो फिर वो मेहनत का कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ना, जब हम लोग 3-4 महीने से पढ़ा रहे हो और इधर पूरा बूस्टअप पूरा रिवाइज हो रहा है क्विकली, तो जो लोग नए हैं एक बार यहां से कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर आपका टाइम बचता है तो पीछे देखिए, और बाकी जो पहले से पढ़ के आ रहे हैं उनको तो देखना ही है, क्लियर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए सेशन इतना रखते हैं, तो आज के लिए इतना काफी है, कल हम लोग करेंगे मास वेट एंड डेंसिटी के, तो रिवीजन करके आइए, कल हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे, तो आज के लिए इतना काफी है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे, बाय बाय।